हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बैंगन की पौध कुछ लाई थी, वही लगाने जा रही हूँ। आज मई की 6 तारीख है। बैंगन ऐसा प्लांट होता है, उसे आप हर मौसम में हर महीने में लगा सकते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो। मई में जो हम बैंगन लगाएंगे, ये बैंगन जाके जुलाई में हमको फल देने लगेंगे। बरसात होगी, बरसात में बैंगन बहुत अच्छी फल देते हैं। तो ये मैं गमले मेरे हैं, इसी में मैं लगाऊंगी। एक ये सिंगल गमला है, इसमें एक प्लांट, 4 प्लांट हैं मेरे, तो एक मैं इसमें लगाऊंगी। और देखिए, इस तरह से जैसे मेरे पहले के बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं, ये मैंने अक्टूबर नवंबर में लगाया था। इनसे काफ़ी फ्रूटिंग मिली, काफ़ी हार्वेस्टिंग मिली, लेकिन अब ये थोड़ा पुराने हो गए हैं। तो अब मैं सोची कि तो नए सिरे से लगाऊं बैंगन के प्लांट, नया लाके, तो इसलिए मैं ले आई। मैं 8 प्लांट लाई थी। ये देखिए, उसके बैंगन इस तरह से लंबे लंबे होते थे, पक गए हैं। तो अब मैं पहले इस लंबे वाले गमले में 2 प्लांट लगाऊंगी। उसमें पहले से मेरी मिट्टी बनी हुई भरी थी, कई दिन से मैंने उसको मिट्टी पहले सुखा के, ये देखिए, ये मेरी कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट, और इसमें मैं नीम की खली मिलाऊंगी। नीम की खली में जो कुछ ज़्यादा सा मिलाऊंगी कि इधर गर्मी में आदमी ज़्यादा पानी डालता है, तो ज़्यादा पानी की वजह से कहीं फंगस वंगस न लगे, और कीड़े मकोड़े भी गर्मी के दिन में बहुत सारे डेवलप्ड हो जाते हैं, तो इसलिए। और इसमें मैं हल्दी भी डाल दे रही हूँ, हल्दी डालने से फंगस नहीं लगेगा और मेरा प्लांट जो है रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा। हल्दी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, इसमें बहुत गुण होते हैं, इसलिए हल्दी मिलाना। और इसमें मेरी मिट्टी में चींटियाँ वगैरह नहीं आएंगी। हल्दी डालने के बहुत सारे फायदे हैं। तो इस तरह से मैंने गड्ढे बना लिया है। अब इसी गड्ढे में मैं लगभग 250-250 ग्राम ये वाली जो मैंने फर्टिलाइज़र का मिक्सचर तैयार किया है, इसको मैं डालूंगी एक एक गड्ढे में। इस तरह से देखिए डाल देंगे। ये खाद इतनी ज़्यादा मात्रा में लगाते समय ही अगर आप उपयोग कर लेंगे तो बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने अब की सोचा है कि ज़्यादा सी मैं लगाते समय ही इसमें सब तत्वों को मिक्स करके और ज़्यादा सी खाद मिला के मैं इसमें लगाऊंगी। जैसे जैसे आदमी करता है वैसे वैसे एक्सपीरियंस होता जाता है। अब इस पैकेट में से मैं निकालूंगी, देखिए कितनी अच्छी जड़ें बनी हुई हैं। ये रूट बॉल को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, सीधे ऐसे ही जो मैंने गड्ढे बना रखे हैं उसमें रख दूंगी। इसको किसी तरह से थोड़ा भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। देखिए, सब में खूब बढ़िया जड़ें आई हैं। ये प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी, 15-15 रुपए के मुझे मिले थे, बहुत हेल्दी प्लांट थे। देखिए, दोनों प्लांट मैंने लगा दिया है इसमें खूब अच्छी तरह से। अब मैं इस गमले में लगाऊंगी, सेम वही मेथड, गड्ढा बना। इसकी मिट्टी गमले की गीली है क्योंकि बच्चे कभी कभी पानी शाम को डालते हैं, तो ये खाली गमला था, मैंने बोला था, फिर भी वो इसमें पानी डाल दिए, तो इसकी मिट्टी काफ़ी गीली हो रखी है, लेकिन मैं लगाऊंगी। वैसे भी मुझे पानी डालना है। अब इसमें भी मैं 250 ग्राम वो मैं जो फर्टिलाइज़र में बना रखी हूँ उसको इसमें भी उतना ही डालूंगी। ये देखिए,
इतना डाल के और मिट्टी में मैं मिक्स करूँगी किनारे किनारे की मिट्टी में, और फिर उसे उसी तरह जैसे और पौधों को रखा है इसमें रख दूँगी। बैंगन आप चार प्लांट अगर लगा लें लगा दें और सही से केयर करें, उसकी फर्टिलाइज़र वगैरह का पूरा ध्यान रखें, तो आप साल भर बैंगन का पौधा आपको फल देता रहेगा। मेरे यहाँ हमेशा मैं ऐसे शिफ्ट वाइज लगाती रहती हूँ, उधर अक्टूबर नवंबर में लगाया, ये प्लांट देखिए इतनी हार्वेस्टिंग, ये लंबे वाले बैंगन थे और इतनी हार्वेस्टिंग मिली, और देखिए चौथा प्लांट मैंने इसमें एक बैंगन का प्लांट ये लगा हुआ है, इसको ये खाली हुआ था, इसमें किनारे टमाटर लगा था तो वहाँ मैंने लगा दिया, चार प्लांट मैंने लगा दिया, आठ में लाई थी, चार मैं वहाँ अपने जो मेरा किचन गार्डन है वहाँ लगा दी हूँ, चार इस गमलों में। फ्रेंड अब मैं इसमें पानी डाल दूँ।